नमस्कारम एवरीवन। आज मैं आप सब लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ एंड आई वांटेड टू टेल यू। ये मैंने स्टोरी बहुत सारे लोगों को सुनाई, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने ब्रदर सिस्टर्स को, और सबको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है रितिका, उसको भी मैंने ये स्टोरी सुनाई थी एंड शी वाज लाइक कि तुम इस स्टोरी पे वीडियो बनाओ बिकॉज उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये स्टोरी। इस स्टोरी का टाइटल है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड ये स्टोरी अकबर और बीरबल पे है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि अकबर वॉज अ किंग, जो कि एक राजा थे, और बीरबल उनके एडवाइज़र थे। अकबर कोई भी काम बीरबल से बिना कुछ नहीं करते थे, उनकी एडवाइस के बिना नहीं करते थे। तो वन फाइन डे ऐसा हुआ कि अकबर की जो ये लिटिल फिंगर है, ये वाली, ये टूट जाती है। तो वो बीरबल के पास जाके पूछते हैं कि बीरबल, मेरी ये छोटी उंगली जो है ये टूट गई है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तो बीरबल उनको बोलते हैं कि अकबर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरी ये छोटी उंगली टूट गई है और बीरबल ये बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं बीरबल को एक सबक सिखाऊंगा। तो वो बीरबल को एक कुएं के अंदर, एक वेल के अंदर ले जाकर रस्सी से बांध के नीचे छोड़ देते हैं। एंड देन ही वाज लाइक कि मैं अब इनसे पूछूंगा कि अब क्या अच्छे के लिए होता है, राइट? तो फिर वो अपना हंटिंग के लिए निकल जाते हैं, जो कि होता है कि शिकार करने के लिए। वो शिकार करने करते करते बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, उनकी सेना सारी पीछे रह जाती है। तो वहाँ पे जब वो बहुत आगे चले जाते हैं तो एक ट्राइबल्स का ग्रुप होता है जो उनको पकड़ लेता है। ट्राइबल्स जो वहाँ के आदिवासी लोग होते हैं रहने वाले, तो उनके वहाँ पे ये एक ट्रेडिशन होता है कि वो अपने भगवान जी को एक इंसान की बलि चढ़ाते हैं। तो वो बहुत टाइम से कोई इंसान ढूंढ रहे होते हैं कि जिसकी वो बलि अपने गॉड को चढ़ा सके। तो जैसे ही उनको अकबर मिलता है तो वो अकबर को पकड़ लेते हैं कि हमें तो मिल गया हमारा, कि हमको जिसकी बलि चढ़ानी है। तो वो अकबर की बहुत सारी ज्वेलरी एंड एवरीथिंग पहना होता है, वो सब चीज़ें छीन लेते हैं अकबर की, और सारी ज्वेलरी ले लेते हैं, उसके सारे क्लोथ्स ले लेते हैं। और तो जब वो उसके सारे कपड़े उतार देते हैं तो वो चेक करते हैं कि अकबर की ये छोटी उंगली है ही नहीं है। तो वो अकबर को छोड़ देते हैं ये बोलकर, क्योंकि वो उन्होंने जो अपने भगवान जी के लिए जिस इंसान की बलि चढ़ानी होती है, वो इंसान कंप्लीट होना चाहिए, उसका कोई भी एक भी अंग टूटा नहीं होना चाहिए। और जब वो बीरबल की उंगली को, अकबर की उंगली को टूटा हुआ देखते हैं तो वो अकबर को छोड़ देते हैं ये बोलकर कि आपकी एक उंगली टूटी हुई है तो हम आपकी बलि नहीं चढ़ा सकते अपने भगवान को। सो अकबर को बीरबल की कही हुई बात याद आती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर वापस आते हैं, वो बीरबल को उस कुएं में छोड़ के गए होते हैं सबक सिखाने के लिए। तो वो उसको वापस लेके निकालते हैं वहाँ से और बोलते हैं कि हाँ बीरबल, तूने मुझे बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बट वो फिर क्वेश्चन करते हैं बीरबल, मुझे आपसे एक सवाल है कि मैंने आपको इस वेल के अंदर बंद कर दिया, रस्सी में बांध के आपको रखा, तो इसमें क्या अच्छा था? तो बीरबल उनको जवाब देते हैं, क्योंकि बीरबल उनके एडवाइज़र हैं, वो हर जगह अकबर के साथ जाते हैं। वो कहते हैं अगर मैं वहाँ पे शिकार पे, हंटिंग पे आपके साथ होता तो वो आपकी नहीं तो मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मैं तो पूरा हूँ ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी थी जो मैं आप सब लोगों को सुनाई एंड आई होप यू विल लाइक इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।